निकालो। लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट होते हैं? दो। लाइन के कितने एंड पॉइंट है? नो। लाइन सेगमेंट में तीन होते हैं ना? दो। लाइन सेगमेंट माने एक डंडा पूरा ऐसे जितनी होती है ना लास्ट में। और लाइन के कितने एंड पॉइंट है? नो, कोई एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन खत्म नहीं होती, इधर भी एरो उधर भी। रे में कितने एंड पॉइंट होंगे? वन। लाइन सेगमेंट में क्या लेंथ होगी? डेफिनेट, एक फिक्स लेंथ होती है। लाइन ए बी को क्या बोल सकते हैं? ए बी या बी ए? बी ए भी बोल सकते हैं। रे ए बी को रे ए बी ही बोलेंगे। डॉट को पॉइंट। हॉरिजॉन्टल लाइन माने बोलो लेटी हुई लाइन, वर्टिकल खड़ी हुई लाइन, ऑब्लिक लाइन जो डायरेक्ट नहीं है। देखो ये ऑब्लिक लाइन कहलाएगी, डायरेक्ट नहीं है। हाँ बोलो भाई, तुम क्या बोल रहे हो? चार्ट मारो, खींच के करवाए हुए हद कर दी तुमने। क्या नहीं समझ में आया इसमें? अभी मैंने करवाया नहीं, तुम्हें बताया नहीं कैसे करने? एलसीएम लेना है, ये कौन सी बात है कि नहीं आए? ये तो तुम्हारा ये है कि होमवर्क नहीं करना ना, बचने का अच्छा तरीका है कि हमें तो ये समझ ही नहीं आए। वेरी गुड। क्यों समझ नहीं आए? करवाए ना, दिखाओ कहाँ प्रैक्टिस करी, कहाँ कोशिश करी है करने की। पहले तुम्हें याद करना है भाई, ये फिल इन द ब्लैंक से याद करो फटाफट। हॉरिजॉन्टल लाइन किसे कहते हैं? लेटी हुई। और वर्टिकल लाइन खड़ी हुई। ऑब्लिक लाइन जो डायरेक्ट ना दी गई हो। ये स्पेलिंग याद कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऑब्लिक लाइन की स्पेलिंग है। लो फ्रॉम द एयर दे इनके दो चार थप्पड़ चढ़ के ना सीधे हो जाएंगे, पता रहेगी क्या लाना है क्या नहीं लाना है। रोज का हो गया, तुम्हें नहीं पता क्या लाना है क्या नहीं लाना है? कॉपी कॉपी ये तुम्हें बता रखा है, इसमें एलसीएम की जरूरत ही क्या है जिसमें सेम है नीचे का, बताया था ना? क्यों नहीं किया फिर? माइनस ही तो करना था। एक मिनट, मैंने यहाँ से बता के भेजा। ऐड हो गया सब, मैंने क्या बताया जिसमें नीचे के सेम है, ये सब करने की तो हमें जरूरत ही नहीं है। इतना सब क्यों किया? बस यहीं से हो जाता है, इतना यहाँ से स्टार्ट कर दो, इसको सेम है ना नीचे के, तो सेम क्यों कर रहे हो? है तो सेम। अगर सेम दिया होता है ना डिनोमिनेटर, अगर तुम्हारा सेम है तो हमें सेम करने की जरूरत नहीं होती। इधर बैठ जाओ तुम, इधर एक साथ बैठ गया, इधर को बैठ भाई, किसको? इधर रुको, इसका बैग उधर ही रख दे, तो एक साथ ही ठीक है। लो तुम अपना बैग यहाँ रखो, बैठो इधर को, इधर को आ जाओ, उधर नहीं है, लाओ बोतल भी दे दो उसकी, लो यही रख दो, यहाँ रख दो, इधर को कर लो बैग, आराम से बैठ लो, जगह है। मैंने क्या बताया तुम्हें? अगर नीचे का सेम है ना, हम क्या करते हैं जब प्लस इसको फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? और जब फ्रैक्शनों को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं ना, बीच में साइन क्या है? माइनस है, माइनस कर रहे हैं, जोड़ते हैं या प्लस होता है या माइनस हो, तो क्या करते हैं? नीचे का सेम बनाते हैं, ठीक है ना? लेकिन इसमें तो पहले से सेम दिया है, अगर सेम दिया है तो डायरेक्ट बस ऐसे माइनस कर देना है, हो गया काम खत्म, ठीक है? मैथ्स की बुक लिख दो, मैथ्स की बुक दो, कौन कौन से पार्ट दिए थे मैंने, मैं वो बताती हूँ। 9.7 क्वेश्चन नंबर ए वाला है, सी वाला करना है, सी वाला क्वेश्चन, ये वाला दिया था, इसको उतारो अभी, डेट डाल रही हूँ आज की, कितनी डेट है? और लेट नहीं आना है, 15 मिनट लेट आया, ऊपर पड़ेगा आगे से लेट आया, आ रही है समझ में? बिल्कुल गए, अगर मैं उधर लेट टाइम पढ़ा रही हूँ तो इधर से बराबर कर दिया तुमने, सर 15 मिनट लेट आगे, करेक्ट टाइम पे आना है, लेट नहीं आते हैं। लो सी डाल दिया मैंने, करो। फर्स्ट क्वेश्चन, अपनी ज्योमेट्री निकाल लो, सी वाला कर लो। एक बार फिर से समझ लो, देखो अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा दिया है, इनको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। अगर हमें ऐसा कुछ दिया है, ये देखो इधर, ये मान लो ओ है या ए नाम लिखा है, बी लिखा है या सी लिखा है या डी, तो हम इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ पे क्या है? रे। तो रे का निशान कैसे? ऐसे ओ ए रे है, रे ऐसे लिख के एक तरफ एरो एक तरफ बिंदी आती है रे में, क्या बोलते हैं इसको? रे। और लाइन सेगमेंट कैसे लिखते हैं? जैसे ये था ना ए बी सी, तो ए बी लिख के उसके ऊपर ऐसे लाइन खींचनी है, दोनों तरफ बिंदी लगानी है हल्की हल्की सी, ऐसे क्या बोलेंगे इसे? लाइन सेगमेंट। बोलो लाइन सेगमेंट। और ये क्या है? रे। रे में क्या होगा? एक तरफ एरो और एक तरफ बिंदी, ठीक है? अगर एरो होना चाहिए। हाँ, नहीं एरो लगाएंगे तो गलत हो जाएगा।
या तो हम ऐसे लिखेंगे और अगर नहीं तो फिर स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी कि रे ओ ए लिखा हमने, ऐसे लिखो या ऐसे, लेकिन हमें साइन में आना चाहिए, ऐसे लिखना आना चाहिए हमें, ठीक है। और इसको लाइन सेगमेंट ए भी कहते हैं। From the air, all living organisms respire to get oxygen. Oxygen from this air. और यार ये बताया था ना रे, रे, रे मैं ये जो भी नंबर आएगा ए भी और वो यार वो यार जो ना ये भी और respire to get oxygen from the air. From the air. यहाँ तो थ्री लिखो ना, टू थ्री थ्री लिखो, नाइन का नाइन ही तो दो। अबे वो सुनो, लाइन सेवन दे ब्रीथ इन दिस, कितने पॉइंट होते हैं, they breathe in this during about, they breathe in this during about, during about नहीं है तनिष्का, गलत लिखा हुआ है कुछ, क्या पढ़ रहे हो, पढ़ना फिर से, you are an align during, तो ये दिखाओ इधर को, ये कुछ गड़बड़ लग रहा था, मैंने कहा था तब भी बुक से देखो, ये वाला क्वेश्चन बुक में नहीं है, ला बुक दो एक मिनट, मैं देखती हूँ, हाँ वन का वन ही आएगा, यहाँ गलत कर दिया, देखो थ्री से थ्री बन जाए, थ्री के टेबल में नाइन भी तो आता है, करो ना कितनी बार में नाइन आया, ये नहीं लिखा तुमने, हाँ नहीं यहाँ पे तो थ्री बन जाए, हाँ थ्री थ्री कर दो, क्योंकि जब हम इसका टेबल पढ़ रहे हैं ना, थ्री के टेबल में ये भी आता है ये भी आता है, तो थ्री से ये हो गया वन बार, ये थ्री बार, अब फिर करो वन को ऐसे उतार देंगे, अरे वन इसमें दिया है, एक बार थोड़ा सा समझा दूं इसे, इसमें से कुछ मिल जाएगा, फिर हमें इधर लिखा हुआ है वो यहाँ पे, ये रहा शुरू में, ये रहा यहीं पे, यहाँ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ से है ये तनिष्का, एरा ऑल लिविंग और रेस्पायर टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, जितने भी जिंदा है ना वो सांस लेते हैं ऑक्सीजन, यहाँ से हवा से दे ब्रीदिंग, अंदर क्या लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, दिस ब्रिंग अबाउट ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्ट, दिस A B comma B A R A B is representative. बस यहाँ तक हुआ in, जो सांस अंदर लेते हो. This bring about, this bring about burning नहीं है, bring है. फिर मैंने बने this bring about, bring माने लाना, इसकी वजह से चेंज आता है. This bring about breakdown of digested food to, ठीक है हो गया यहाँ से. A भी है. सारे जो भी जिंदा रेस्पायर माने सांस लेते हैं, टू क्यू सांस लेते हैं ताकि ऑक्सीजन मिले, कहाँ से हवा से दे ब्रीथिंग, यानी अंदर लेते हैं हम, क्या लेते हैं ऑक्सीजन, दिस ब्रिंग अबाउट ब्रेक, और जो ऑक्सीजन अंदर जाती है उसकी वजह से, दिस ब्रिंग अबाउट माने इसकी वजह से ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो खाना पच गया ब्रेक डाउन होता है टू गेट एनर्जी, फिर उससे हमें एनर्जी मिलती है, अंदर में खाना हमारे पचता है ना उसकी वजह से, तो हमें ताकत मिलती है, खाना क्यों खाते हैं, इसलिए तो खाते हैं ताकि एनर्जी मिले, और एनर्जी कैसे मिलेगी, हम ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं उससे डाइजेस्टेड फूड ब्रेक डाउन होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन करते हैं सांस, उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, फिर हमसे मेजोरिटी ऑफ ज्यादातर एनिमल्स और प्लांट जो है उनमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की, और ऐसा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, श्वसन क्रिया, सांस लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग भी बोलती हो है ना, ब्रीथिंग पढ़ा ना, रेस्पिरेशन वर्ड आ गया इसमें, रेस्पिरेशन क्या है, दैट टेक्स प्लेस, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सांस लेते हैं उसको एनरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, अकर्स इन ईस्ट, ईस्ट कहते हैं खमीर, उसमें होता है कुछ बैक्टीरिया, कुछ पैरासिटिक प्लेटफॉर्म से उनमें होता है, ईस्ट किसे कहते हैं, जैसे ब्रेड वगैरह सड़ती है ना, सड़ा की तो ब्रेड ब्रेड बनती है, तो जो उसमें खमीर उगता है ना वो ईस्ट के द्वारा होता है, उसको खमीर कहते हैं, सड़ता है जब वो, तो मैं देखा इडली डोसा ये सब के सड़ाके खाते हैं, किन उनके क्या करते हैं, ईस्ट करते हैं, माने खमीर उठाने का काम करता है, एंड पॉइंट टू,
देखो इसमें दिया हुआ है ठीक है, वो तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है, मैंने देख लिया। फ्रॉग कैसे पानी में एज वेल एज ऑन एम्फीबियंस, एम्फीबियंस किसे कहते हैं जो पानी में हो गया ना, जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी रहते हैं उसे एम्फीबियन कहते हैं। डैश एंड एंड पॉइंट इसमें सही है। वन और कौन सा पार्ट दिया था, ए हो गया, सी हाँ मैंने लिखा हुआ है, कौन कौन सा पार्ट दिया इसका, एफ लिखो करो एफ वाला। एम्फीबियन जैसे कि फ्रॉग हो गया एंड फूड टोड्स, टोड टोड भी मेंढक ही होता है, एक बड़ा सा मेंढक है ना, टोड हैव अ डुअल मोड ऑफ, इनमें सांस लेने के डबल तरीके होते हैं, दे हैव अ सॉफ्ट एंड मॉइस्ट स्किन, इनकी जो स्किन होती है ना चपड़ी मुलायम होती है, मॉइस्ट माने नमी वाली होती है, विच इज सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, जिसके अंदर में क्या होती है ब्लड कैपिलरीज यानी खून की नलियां होती है। फ्रॉग्स ब्रीथ, फ्रॉग्स ब्लड कैपिलरीज होती है व्हेन हाइबरनेटिंग फ्रॉग्स टेक ऑक्सीजन, तो यहाँ छोड़ा हुआ है तुमने। आर ए ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय व्हेन फ्रॉग्स टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन टू देयर गिल्स, अलाइन ये टेक की जरूरत नहीं है इसमें, ये सही है। फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू गिल्स, ये मन से लिखा है थोड़ा सा ना, फ्रॉग्स क्या है किसके सांस लेते हैं, गिल्स से सांस लेते हैं, व्हेन दे आर टेडपोल, जब ये क्या होते हैं छोटे होते हैं, बताओ यहाँ से लिखवाया है, फिर फ्रॉग्स ब्रीथ थ्रू गिल्स से सांस, ये नहीं लिखवाया ठीक है, गिल्स से सांस लेते हैं व्हेन दे आर टेडपोल, जब ये टेडपोल टी ए होता है टेडपोल ठीक है, टेडपोल कहते हैं छोटा मेंढक होता है ना, छोटा बच्चा उसको टेडपोल कहते हैं, जब ये टेडपोल होते हैं tadpoles as लिखा हुआ है, tadpoles in water but as they mature, पानी में कैसे सांस लेंगे, गिल्स से सांस लेते हैं जब ये बच्चे होते हैं, लेकिन जब ये मैच्योर यानी बड़े हो जाते हैं तो इनके लंग्स तैयार हो जाते हैं, क्या तैयार होते हैं, लंग्स बन जाते हैं, फ्रॉग्स रेस्पायर है थ्रू लंग्स ऑन लैंड, फिर लैंड पे किससे सांस लेते हैं, हाँ लंग्स से, जमीन पे लंग्स से सांस लेते हैं ठीक है, सही है। स्टोमेटा क्या है, द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टाइम, ये बोल रहा है पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं उनको स्टोमेटास कहते हैं, वो क्यों होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आने और जाने के लिए होते हैं। स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ, स्टोमेटा में दो बीन के शेप जैसी सेल्स होती है, उन्हें गार्ड सेल्स कहा जाता है, विच अलाउ द ओपनिंग, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर माने छेद जो होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं ऑक्सीजन लेने के लिए ठीक है। अब इतना याद करो, लो एक काम से फटाफट सुनाते जाओ, फिर और थोड़ी देर बाद आगे का देखेंगे, फिर समझा दूंगी आपको। ऑल लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ, ऑल लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ, लेंथ फ्रॉम हियर देन हैज अ length, has a length, a length of length, has a length. Break in this during about, break in this during about. A, B, definite. All living organisms respire to get oxygen from the air, तो वही सुनने जा रहा है बार बार, they breathe in, तो बार सुन ले तू definite, डेफिनेट की स्पेलिंग बताओ क्या होती है, A dot represents
आ बोलो सेवन सही से लिखो आई डॉट पी सी है पॉइंट टू पॉइंट थ्री है देखो पॉइंट थ्री है ओनली पॉइंट वन टू एस्पायर टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर दे सही है और कौन से नहीं हुए हो गया इसका तो अब क्वेश्चन नंबर टू का ए डी और एफ ड्यूरिंग अबाउट ए वाला उतारो क्वेश्चन टू का ए उतारो फटाफट अलाइन टाइम एंड डेट क्वेश्चन टू डालो ए उतारो उसका ऑल लिविंग नहीं क्वेश्चन टू का ए पार्ट उतार लो आंसर चुका रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं एंड पॉइंट वन ही तो होता है एक तरफ एरो होता है रे में एक तरफ बिंदी होती है बिंदी को एंड पॉइंट कहते हैं ऑल लाइन हैज एंड पॉइंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग अबाउट ब्रेक डाउन ऑफ ऑक्सीजन मुझे अंदर को हो गया सुना दिया एक दूसरे को हाँ। में देर यूज मारा कम इतनी देर तुम ना जनवरी फरवरी याद कर लो हिंदी में स्पेलिंग याद कर लो दिनों के नाम और महीनों के नाम महीनों है इसमें जनवरी फरवरी को महीने वाले कहते हैं दिनों के नाम ये हैं दिनों के नाम ये लिखना आना चाहिए इनमें ध्यान रखना इसमें क्या है नीचे छोटों की मात्रा है बस वीरवार में बड़ी बड़ी की मात्रा है बाकी छोटी की मात्रा है ठीक है सात दिन है ना सात है दिन और ये महीनों का लो बोलो सोमवार सोमवार से शुरू करना है फर्स्ट डे क्या होता है सोमवार मंगलवार मंगलवार बुधवार बुधवार वीरवार वीरवार बृहस्पतिवार को वीरवार कहते हैं शुक्रवार शनिवार रविवार फिर से बोलो सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार यहाँ से शुरू होगा ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे शुरू करो यहाँ तक ऐसे संडे पे खत्म अब बोलो महीनों के नाम जनवरी फरवरी मार्च इधर देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर फिर से बोलो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये याद करो जल्दी हो गया मुझे पहला आंसर लाओ मैं सुन लूं कौन सा आंसर जिनों के नाम All living organism respire to get oxygen from the air they breathe in this एक मिनट सोमवार bring about एक मिनट bring about breakdown of digested food to get energy ठीक है ब्रेक डाउन की स्पेलिंग बी आर ए के डाउन बी ओ डब्ल्यू एल और ब्रिंग की क्या ब्रिंग बी आर ए एन जी ऑर्गेनिज्म ओ आर जी ए एन आई एस एम रेस्पायर आर ई एस पी आई आर ई ऑक्सीजन ओ एक्स वाई जी एन डाइजेस्टेड डी आई जी एस टी ए डी चलो अब एरोबिक रेस्पिरेशन अब करके हो वेनस्टे को क्या बोलते हैं बोलो वेनस्टे को क्या बोलते हैं पहले हिंदी में याद कर लो लाइन वाइज इनके नाम सेट वेडनेसडे सोमवार बुधवार हाँ और फ्राइडे को वीरवार नहीं 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 शुद्धवार
होता है उसके लिए। आ रहा है भाई कुछ? सेवन के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने क्या बोला क्या वन लगा लो, इनका एलसीएम लिया जाएगा। कितना आएगा एलसीएम अगर वन है तो क्या आएगा एलसीएम? यही तो आएगा। तो यहाँ भी इसके नीचे भी 21 आना चाहिए, मिटा के लिखो यहाँ 7/1 और यहाँ 11/21, 21 करो दोनों के नीचे आए। अब इनके क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम बनाओ। बताओ क्या ना कैसे बनाते हो तुम? हाँ डिनोमिनेटर सेम बना के रविवार सही था। सरदा देखो अरबिक रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन दैट टेक्स इन दिस नहीं नहीं बुधवार इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन शुक्रवार द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं अगर दो बार और कर दो मंगलवार परिवार 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 कौन सा दिन होता है? परिवार रविवार होता है। नया दिन स्टार्ट हो गया परिवार रविवार शुक्रवार बताया परिवार बताया आपने कहाँ बताया रविवार 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 परिवार नहीं सभी शनिवार था कैसा दिन शनिवार एक बार और शनिवार से हमारे तुझे हो गए हाँ मैं तो क्या बताया शुक्रवार शुक्रवार मैं दिल रंता हूँ चल बैडमिंटन बैडमिंटन को क्या बोलते हैं बता मैंने से को टिक टिक बुधवार और ट्यूसडे को सोमवार नहीं सोमवार के आगे रविवार नहीं टिक टिक बर्न बताए समझ में अब सोमवार रविवार बस वही पढ़वाया था इंग्लिश ग्रामर का ही करवाया था स्कूल में ये मिटा दो इतनी लंबी लाइन की जरूरत नहीं होती यहाँ से भी थोड़ा सा गैप पे लिखा करो इक्वल से ठीक है थोड़ा ठीक है अभी तो थोड़ा ठीक लिखा शनिवार टिक टू शनिवार टिक थ्री मंगलवार जल्दी याद करो रविवार क्या बोला रविवार ये दोनों पॉइंट से एक साथ सुनाने पड़ेंगे ना एक एक सुना दो रविवार बिल्ली तो याद करवा रही थी ना तो पक्के याद हो जाए खाली टाइम रहता है तो ज्यादा याद किया करो सीधे बैठ गए नीचे पहुंच गए दरी से स्लिप होते होते नहीं रविवार भी नहीं है स्लिप हो गई तुम्हारी सोमवार उधर से इधर करो पहले बैकवर्ड आओ सीधा करो इसे करो भाई सीधी से उधर से करो खींच लो मैं मोटी वेट पास है हां डिवाइड कर भाई पास है पास है हाँ मिक्स में लिखना इतना ही छोड़ दोगे तो भी चलेगा ये ऊपर का पढ़ा है ना मिक्स में लिखना इतना छोड़ अगर वो बोले मिक्स में लिखना है तो ही लिखना है इतना भी चलेगा ये ठीक है इतना इसकी मिक्स की हमारे बस नहीं पढ़ रही है मंग मंग बात है बात है वीवार ठीक है मिक्स में भी लिख के दिखा सकते हो दिखाओ कैसे दिखाओगे ना मिक्स में मेरे को बोल दिया तो करो डिवाइड और मंडे को क्या बोलते हैं जल्दी याद करो तनिष्का मंडे डोंट वेस्ट योर टाइम सो मंडे को रविवार टिक टिक वन टिक टिक टू टिक टिक थ्री टिक फोर टिक और टिक 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 लाओ मुझे सुनाओ अब मुझे सुना दो सोमवार मंगलवार ऐसे सुनाओगे मैं बोलूंगी दिनों के नाम बताओ और लिख के भी दिखाने बिना देखे
लाइन वाइज लिख रहे हैं अभी, और ऐसे ही महीनों के नाम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे हिंदी में बताना है। हाँ लिखने भी और बताने, स्पेलिंग लर्न कर लो लाइन वाइज, लाइन वाइज लिख रहे हैं अभी, याद करो फटाफट, बोलो मत इतना। ये बुक देना भाई डुगो, अपनी बुक दो, मैथ्स की बुक दो जल्दी काम करो, इधर को बैठ जाना, क्या बोला था मैंने, इधर बैठो, क्या और किसको इधर बैठो, देखो दरी सही से कर लो, दरी सही से कर लो, उसको सीधा कर लो और बैठो इधर को, और करो फटाफट। सोमवार मंगलवार बुधवार शुक्रवार शनिवार 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 जाता है नहीं, शनिवार किसको बोलते हैं, सैटरडे, और रविवार रविवार और दूसरे रविवार बस मेरे हो गया, लिख दिया तो बता दो कि लिख दिया हमने, मैंने तो कर लिए सोमवार मंगलवार बुधवार और करो कौन सा रह गया था, बुधवार रविवार शुक्रवार करो काम, हंसना नहीं है, लाफिंग गैस चढ़ गई है तुम्हारे ऊपर, मान दिया अब इनके नाम सुनोगे नहीं, कर रहे हैं काम करो बस, परिवार पशुवार वो तो उनको सुनती थी, भाई यार यार पढ़ने में ध्यान दो, एक गेट खोल दो उधर का, मस्ती आती है, सोमवार मंगलवार बुधवार रविवार रविवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार सोमवार मंगलवार मंगलवार बुधवार बुधवार संडे से लेके वहां तक, हिंदी में बोलो सोमवार से, देख के फिर अक्षर लिख के दिखाने बिना देखे फिर स्पेलिंग सुनो, सोमवार मंगलवार बुधवार रविवार बुध के बाद वीरवार वीरवार हाँ वीरवार और वो शुक्रवार वेरी गुड शनिवार हाँ वो और वो रविवार अरे रविवार हाँ रविवार ही है, शनिवार नहीं आएगा शुक्रवार के बाद, शनिवार बोल तो दिया, शनिवार बोल तो शनिवार फिर वो शनिवार के बाद बिल्कुल अभी बोल रहा था तो हाँ रविवार हाँ एक बार और याद कर लो, लिख के दिखा देना मुझे फटाफट, बता मंगलवार सोमवार से चल सोमवार मेजॉरिटी ऑफ एनिमल मेजॉरिटी मेजॉरिटी सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार कौन बोलेगा, मंगलवार याद करो, ज्यादा हंसना नहीं है, इतने मोटे हो गए हैं सूखी हड्डी, हंसना मना है, परिवार तो शुक्रवार और कौन सा परिवार परिवार पशुवार बैग को सीधा कर लो ना, बैग देखो सीधा रखो, बैग इधर रखो, दो बैग को नीचे रखो, उधर सीधा रख दो बैग को, उल्टा हो गया सीधा रख दो, अरे सीधा रख दो भैया, सोमवार पढ़ लो फटाफट, बुधवार हो गया रविवार सुनो
सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार रविवार रेस्पिरेशन प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सोमवार मंगलवार बुधवार मेजॉरिटी और बुधवार वीरवार वीरवार और शुक्रवार शनिवार और रविवार गलत एरोबिक रेस्पिरेशन सैटरडे वाला कौन बोलेगा वीरवार फिर आएगा रविवार मैंने बोल लिया है वो सैटरडे वीरवार बोला ऊपर बोल दिया और दीदी हो गया रविवार बोला रविवार और दीदी को चेक कर लूंगा स्पेलिंग दो एक बार चेक कर लो स्पेलिंग थोड़ी देर में अपने वो कहां है स्पेलिंग देख लो एक बार ढंग से जल्दी कर लो देख लेता हूं वही अब ऐसे देख ले रहे हो तो मैं इससे छोटा नंबर बचाना इससे देखो छोटा आ गया ना ऊपर है ही नहीं अब तो समझ जाओ यहीं पे खत्म हो गया ऑफ कोर्स इन द यस मुझे लिख दे तो जल्दी मेरा नया हिंदी का कर जनवरी फरवरी मार्च जी मेरा एरोबिक रेस्पिरेशन सुन लीजिएगा लो भाई सब सब लिख लो बंद करो हो गया तो वो लिखो लाओ बुक इधर रख दो लो साफ साफ दिनों के नाम कर दे के मन महीनों दिनों के लिखो पहले दिनों के आती है ना हां भाई क्या सुना रहे थे तुम अच्छा हेलो भाई सुनाओ व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंस ऑफ इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन ऑन मेजॉरिटी नहीं है वो रेस्पिरेशन की स्पेलिंग यहां तक लिखी है तुमने खाली मेजोरिटी से शुरू करना है और रेस्पिरेशन आई तक खत्म हुआ ना वहां जगह नहीं थी तो तुमने नीचे ओन ओएन लिख दिया उसका पार्ट मेजोरिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एनिमल्स हैव वो क्या नाम था इसका ही एरोबिक रेस्पिरेशन चलो एरोबिक एट करो सही है एरोबिक एस्पिरेशन ऐसे पूरा पक्का चाहिए रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ बुधवार हो गया और क्या और बचा है करो एक वाला पार्ट कॉल एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स ऑफ यस्ट ऑकर्स पढ़ते हैं ऑकर्स इन यस्ट सम ऑकर्स इन यस्ट सम यस नहीं वो ईस्ट ईस्ट पढ़ते हैं इसको ईस्ट सम बैक्टीरिया या से लिखते हैं ईस्ट एंड पार्टिकल्स फ्लेट फैट वॉर्म ये तो बहुत इजी है ऑकर्स इन यीस्ट 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 लिखो यीस्ट पढ़ते हैं इसको अच्छा या से यीस्ट जबकि वाई जो है वो नहीं है पढ़ने में या यीस्ट ऑकर्स इन यीस्ट occurs occurs पढ़ते हैं occurs ओ से लिख रहे हैं occurs पढ़ते हैं इसको occurs in east occurs in east some bacteria and particles flatworm flatworms क्या होता है कीड़ों को ही कहते हैं कृमि कहते हैं अर्थवर्म केचुआ ऐसी फ्लैटवर्म भी कोई कीड़ा ही है फ्लैट होता होगा
ये बिंदी थोड़ी ऊंची लगाओ ना, इतना पास नहीं, थोड़ी ऊंची लगाओ। वार वाह देखना, वह तुम्हारा पा लग रहा है, वह तो बीच में बनेगा ना, वह पा लग रहा है। सोमपार लिखो मिटा के, ऐसे नहीं लिखना है। सही करो, इतना टाइम नहीं, और भी काम कराना है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट करो, इतना टाइम कोई ना है, और भी चीजें करनी है हमें। बताओ व्हाट इज एनरोबिक रेस्पिरेशन। एनरोबिक रेस्पिरेशन वो क्या बोलते हैं उसे, रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। occurs of occurs in yeast some bacteria and particles flat form some bacteria and parasitic wo parasitic jo dusron ke upar nirbhar rehte hain unhe parasite kehte hain na parasitic flat forms bacteria and parasitic flat forms mein ye respiration paya jata hai amar bell hoti hai tumne dekha hai wahan pe गोकुलप्रीत उधर जाते हैं बेल पी ए पी सी बेल खाली रहती है पेड़ों पे उसको अमर बेल कहते हैं वो पैरासिटिक प्लांट कहते हैं उन्हें कि पैरासाइट है दूसरों के ऊपर ही डिपेंड है वो खुद से अपना खाना वाला उन्हीं का खाती है जो भी। हाउ डज अ फ्रॉग सर्वाइव इन वाटर एज वेल एज लैंड। फ्रॉग जो है कैसे पानी में और साथ ही साथ जमीन पे भी रह लेता है। आधा आधा सुना दूं मैं आपको। हाँ मैंने बताया जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी उन एनिमल्स को कहते हैं एम्फीबियंस। वो लैंड पे भी रहेगा और वाटर में भी रहेगा। पीछे वाले की आपने स्पेलिंग नहीं सुनी, वो वाला स्पेलिंग। एब्सेंस की स्पेलिंग बताओ। A B S E N C E। पैरासिटिक। P A R A। हो गया भाई, लाओ दो। T I C E। E नहीं, T I C खाली। फ्लैट वॉर्म्स। F L A T flat W O R M। शनिवार रविवार गलत है, बड़ी की मात्रा आएगी, मिटा के सही करो, गलत सीख दिया मैंने, बताया छोटी की मात्रा आती है। वीरवार में बड़ी के ईस्ट की बताओ। वाई ई ए एस टी। बैक्टीरिया। बी ए सी टी ए बी ए सी टी ई आर आई ए। एनएरोबिक की ए एन। अब एरोबिक की बताओ। आरओबीआई ए ई। ये स्पेलिंग भी याद होनी चाहिए, पता क्यों, अगर फिलअप में आएंगे तो वहां पे बड़ी की छोटी की आएगी ना। बड़ी हां छोटी की है, शनिवार रविवार दोनों में छोटी की मात्रा आएगी। छोटी की लगेगी, ये ध्यान रख लेना है इसमें, ठीक है। वीरवार शुगर बाबू छोटी की मात्रा आएगी शनिवार में और रविवार में भी, करो जल्दी मिटा के सही कर दो। अब जल्दी से महीनों के नाम याद करो। शनिवार नहीं तुम्हारा, रविवार रविवार लिखो। लो भाई याद करो महीनों के नाम फटाफट। मुझे मेरी वो मिल गई किट। गुड, मैंने ढूंढ लिया जी। काम करो अपना। नवाबू जनवरी से याद करो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अक्टूबर नहीं सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। सितंबर लिखना, सितंबर इंग्लिश में, हिंदी में सितंबर। सितंबर स्पेलिंग देख लेता हूँ। जनवरी फरवरी जाना जनवार रापे बड़ी की मात्रा दी। जनवरी आप यू सुनोगे जनवरी फरवरी। हाँ लाइन वाइज याद होना चाहिए कि पहला जनवरी दूसरा फरवरी ऐसे याद करना है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर सितंबर हिंदी में सितंबर नहीं सितंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। हाँ अब इनकी स्पेलिंग याद कर लो, किन किन में बिंदी आ रही है ध्यान देना, फिर हम कर देंगे। हाँ जाना जन जन वारा पे बड़ी हम दोनों आपस में स्पेलिंग। हाँ ठीक है मैं देख लूंगी। तुम मेरे को बताइए सही है क्या, फरवरी किस नाम उड़ेगा। फारा फर फर वा रात में बड़ी की मात्र है फरवरी। देख लो करो फटाफट बोलो। नहीं मार्च माँ का डंडा, माँ का आ का डंडा माँ, और चापे रागी मात्र चार मार्च।
और फरवरी अप्रैल आए मारी फरवरी अप्रैल आ पापे राखी मात्रा ला अप्रैल मई 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 सुनाओ ये गलत कर दिया बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो 3 6 7 जा मई भाई 5 नहीं जोड़ा यहां पे गलत नहीं हो गया जून जहां पे बड़े हुआ तेरे जूना ध्यान देना है स्टार्टिंग में गलती हो जाती है तो पूरा कितनी भी मेहनत करो फिर वेस्ट है वो सारा जुलाई अगस्त ए यू जी और सितंबर सितंबर की साफ मतलब मैंने अगस्त की ए यू जी एस टी सुना दी थी क्या नहीं मैं पागल हूँ आ गा आधा सा था सितंबर सा आधा सा तो ठीक है आधा सा हाँ आधा सा नहीं सा सा पे और सी ता पूरा आधा माह बारह बार सितंबर अक्टूबर अक्टूबर आ आ सा अ नहीं आ का आ का यहाँ पे बड़ा आधा का आएगा अच्छा आधा का टाबे बड़े हो के मैं तेरा टू बार बार टू बार अक्टूबर नवंबर नवंबर हो नवंबर नवंबर नवम अच्छा ना वहाँ पे अंकी मात अंकी बिंदु की मात्रा बराबर दा पे थोड़ी मार दी सा कुछ सा आधा माँ बराबर दा दा पे अलमा दी सा अंकी बिंदु बराबर अबे जनवरी की जनवरी फरवरी की फरवरी कौन से आ गया दिसंबर पे आ गया सुना दिसंबर की फिर दिसंबर के सुना सुनाई नहीं जा ठीक है मोदी जी हो गया सुनो हम दोनों एक साथ मार रहे थे नहीं तुम सुना दो ऐसे दिक्कत हो पहले एक सुना दो ना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अब मैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर अब लिख के दिखा दो दिखा रहे हो ना बुक मुझे दो बुक दे दो फटाफट जल्दी से लिख दो सुंदर सुंदर ला बुक दो अरे कौन सी दे दी यहाँ से कर लू नहीं वहीं पे पीछे करना है या नहीं करना है करो एक एक बार सीधे लिखना ट्वेली है लो ट्वेली होते हैं ये एलसीएम भी क्या कर दिया तुमने सिक्स से टू से नहीं जाएगा पहले थ्री ऐसी टू थ्री जा फिर थ्री से जाएगा थ्री टू जा सिक्स आएगा एलसीएम भी गलत कर रखा है बताओ मैंने बता नहीं रखा टू से ट्राई करो तुमने देखा नहीं टू के टेबल में सिक्स आ रहा है ध्यान दो ना ये चीजें ऐसे कोई ना कुछ भी गलत कर दोगे तुम तो पूरा सभी गलत कर दिया ये एलसीएम गलत है यहाँ नीचे मिटा के ये सही होंगे सबके यहाँ से ये लफापड़ी जाए ये ऊपर के मिटेंगे फिर
पहले तो एलसीएम यहाँ अंदर मिटा के सही लिखो और इनके यहाँ सही करो, यहाँ एलसीएम सही करो, फिर करो करो फटाफट। इधर सही से तुम कर लो अपना, मैं तो सीधे चला ले, तुम अपना खुद से निकालो एलसीएम फिर से। प्रैक्टिस होगी तुम्हारी। 3 फरवरी माँ का धंधा, मार्च हो रहा है तनिष के हाथ, पेन बंद कर दो फिर चल जाएगा उसमें कॉपी में। पेंसिल है ला अप्रैल मई तो महीने जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जून जुलाई। अब मुझे गूगल बंद है, तेरा पेट क्यों काट पड़ा है? जुलाई अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर देख मैंने मुझे जेडिंग करके ये मैं ठाके सही करो। नवंबर क्या लिखा है? नवंबर को समझ ही नहीं आ रहा, गंदा काम नहीं चलेगा, साफ साफ काम करना है। नवंबर का दिसंबर भी गलत ही है, बिंदी आएगी बिंदी है तो बिंदी लगाओ। दिसंबर पे बिंदी नहीं दिखी आती है, मैंने भी लगाई है। बराबर दिसंबर हो गया भैया, मैं अभी दे देना। अब एप्पल वॉच अब ये तेरे पीछे कितने टाइम दी पूछ सुन गई कौन है ओ नहीं टंगाई होगी और कौन टंगाएगा यहां नहीं बैठा है इसके पीछे नहीं मैं यही होमवर्क डू अगेन है सारा काम। कौन सा? यही एक एक बार यहाँ लिख लेना, होमवर्क लिख दिया ठीक है, डू अगेन ये यहाँ यहाँ एक एक बार लिखना, इसे बैग में रख लो हिंदी के बोर्ड पर। आज जैसलमेर आई जाके हिंदी का डू अगेन करके लाना है। और दोनों हाँ दोनों हाँ जुलाई छोटे की मात्रा है ना, बड़े की है जून पे आती है, बड़े की से बड़े की है अभी दिखाती हूँ तेरे को कहाँ बड़े होगी तेरी छोटे होगी जाके नीचे कौन सी आएगी जुलाई में छोटे होगी और तुमने लगा दी बड़े होगी। ये बताओ भाई सिर्फ मैं... एक जून के नीचे ही आ रही है बड़े होगी और बाकी में आ रही है, जुलाई में छोटे होगी आ रही है बाकी सब में बड़े होगी। सितंबर इसे बैग में रख लो, बैग में रखो अपने।
ये घर से डुओ गेंद करके लाना है, फिर से एक बार सारा। अरे तू भी नहीं लाया, कोई सी भी बुक नहीं लाया। पागल है ना ये, यूं नहीं लाया। ज्यादा वेट हो जाता है इसलिए नहीं लाता मुझे ज्यादा। वन माइनस है, कॉपी तो मोटी थी इतनी सारी लाया। ये लिख दिया, ध्यान रहेगा डू अगेन, ये भी डू अगेन, वापस करके लाना है ये काम जो करवाया। इसे बैग में रखो अपनी नोटबुक, हिंदी का बैग में रखो अभी। हाँ हिंदी का काम हो गया तुम्हारा, ये जिसमें काम मिल गया उसको बैग में रख लो, उस नोटबुक को रख ले। मैथ्स का तुम्हारे पास सामान लाए हो मैथ्स के लिए? पेंसिल है ना, स्केल और क्या चाहिए? बस बाद में चाहिए थोड़ी। चलो ये लिखो, पकड़ो, देखो किसकी नोटबुक है तुम्हारी। ये लो नक्श, आओ तुम भी फटाफट। स्केल ही चाहिए इनको बस, पेंसिल रबड़ तो रहती है इनके पास, अभी थोड़ी देर में चाहिए। एक रबड़ चाहिए, मेरे पास रबड़ नहीं है। लो पकड़ो, इसी की से मिटा लेना। नहीं मौजी जी, मैंने दी तो थी इसको कल। लो तुमने परसों दी थी। क्वेश्चन पढ़ो मामू, पहले क्या लिखा हुआ है? यहाँ नहीं लिखना, क्वेश्चन पढ़ो पहले। लो स्केल, अभी थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी। राइट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंटो के नाम लिखने। लाइन सेगमेंट कैसे लिखते हैं? PQ यहाँ लिखो, नीचे लाइन छोड़ी है मैंने, PQ लिखो, P बड़ा, Q बड़ा, साथ में पास पास क्यों। फिर क्या बोला था मैंने? कोमा, थोड़ी दूरी पे कोमा लगाओ, ऐसे ऊपर नहीं लगाना कोमा, ऊपर लगाते हो, इधर देखो नीचे लगाना है। सुनो, और लाइन सेगमेंट PQ कैसे लिखना था मैंने क्या बताया? ऊपर में लाइन खींच दिया, दोनों तरफ हल्का सा पॉइंट बिंदु, इसको लाइन सेगमेंट PQ लाइन वाइज लिखो ऐसे। लाइन सेगमेंट RS, कितने है इसमें लाइन सेगमेंट, कितनी लाइन है इसमें? 4। मैंने बोला लाइन वाइज चलो ऐसे PQ, फिर ये, फिर ये। मुझे मैं एक्टर दिखाइयो, किट उससे गलती हो गया भाई तुम्हारा, लाओ दे दिया मैंने लाइन सेगमेंट। हाँ निशान लगा के ऊपर, मैंने बताया क्या कैसे लिखते हैं। सेगमेंट की स्पेलिंग लिखनी, स्पेलिंग नहीं लिखनी ऊपर लाइन। अच्छा, इधर दिखाओ, एक जैसे डुकू को मैंने बताया ऐसे लिखना है, देखो ऐसे PQ और RS लाइन सेगमेंट AB अलग अलग दिए क्या मैं? हाँ, नो मोर चिटिंग। AB लाइन सेगमेंट AB आ गए भाई समझ में? कुछ आया भाई तन में तुम्हें समझ में? आ गए अब तो नहीं करती होगी। लाइन सेगमेंट BC अब हमारी छुट्टियां पड़ गई, डरेंगे फिर से पड़ गई सबकी छुट्टियां। 16 तारीख अब फिर ऑनलाइन क्लास है अभी भी? 17 को ये माइनस गलत कर, ये कर से कर रखा है मुझे लगता है ये। क्या ये वाला सम? कौन सा सम? 7 में से 4 में से 1 3 नहीं बचेगा, माइनस गलत कर रखा है। ये वाली पेंसिल ले 2 मिनट चलती सही है। क्यों? हाँ लाइन सेगमेंट पर देखना, ठीक है चलो जैसे ये कर तो रखे, फिर ये क्यों नहीं दिखाए? अच्छा अभी किए हैं ये चेक? अच्छा राइट नहीं लगाए थे मैंने, यानी है अभी किए हैं? अच्छा जी घर से ये फिर डबल डबल मार क्यों कर लिए भाई? ये वाला तो किया ना यहाँ, तो फिर यहाँ क्यों किया है ये? कौन सा ये घर से करा था क्या? हाँ, ये वाला घर से करा था। यहाँ गलत हुआ है बस, ये तुमने माइनस गलत किया था इसलिए गड़बड़ हो रहा था तुम्हारा ऐसा। मैं सोचा सारे ही नहीं आ रहे तुम्हें, तो तुम देखते ना कि जो आग कर लिए तो फिर क्यों करवाए? ऐसे नहीं करना है, जो अगर हो गया वो नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट कोई ना करना है हमें। देखो ये क्या गलती कर रखी है यहाँ पे, 13 है ये तो यहाँ लिखना ही नहीं, 4 30 यहाँ 13 15 लिख रखा था। 13 4 54 होता है, अब देखो टेबल गलत पड़ रहा है इसलिए गलत है, 52 आएगा यहाँ, ठीक है 13 4 52 गलत नहीं करना है, माइनस इसलिए गलत हो रहा है तुम्हारा। 20 1 20 और 13 हो जाएगा। लास्ट से पहले 4 है तो एंड लगा दो।
तोड़ना नहीं है, बिंदी लगानी है सीधे ऐसे। पी क्यों, एस आर लिख दिया, फिर आर क्यों लिख दिया, फिर एस पी, ठीक है गुड। ऐसे आगे लिखो नीचे लाइन में, गुड अच्छा लिखा है। ये देखो मल्टीप्लाई कर, 2 8 जा कितना होता है, 2 8 जा 10 होता है, फिर गलत कैसे हुआ है, 2 8 जा 2 8 जा हाँ 16, फिर ये तो छोटी छोटी गलती कैसे, इसीलिए तो ये गलत हो रहा है यहाँ पे। 50 लिख के रख दिया 56 को। इसीलिए फिर ये पूरा गलत हुआ है नीचे में। इसलिए ऐसे गोले लगाने हैं ऐसे नीचे टच करके हल्की सी बिंदी लगानी है, गोले नहीं लगाने हैं, बिंदी हल्की सी। अरे लाइन नहीं है ये, लाइन सेगमेंट बिंदी आएंगी एरो नहीं लाएंगे क्या, मैंने बोला नहीं, एक बार दिखा भी नहीं सकता इतना वो है, बिठा उसको। अच्छा लाइन सेगमेंट मींस बिंदी, दोनों तरफ हल्की हल्की बिंदी आती है, डॉट। एरो एरो तो लाइन में आते हैं, अगर बोलेंगे ना लाइन का नाम बताओ तो एरो आते हैं, ये लाइन सेगमेंट है, लाइन का टुकड़ा। हो गई ये वाली, आज मैं ये कराती तो मैं टाइम वेस्ट करते रहते बैठे बैठे ऐसी, वो जो आ गए थे दिखा दिए उन्होंने, आगे से मारूंगे तो फिर मैंने बोला ना अगर वो मैं चेक कर लेती मुझे पता चल जाता काफी गड़बड़ हो रही है, सारा टाइम ही वेस्ट कर देंगे बैठे बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक्सरसाइज 9 फेयर वाली निकालो, फेयर में करानी हूँ एक्सरसाइज 9.8 करा रही हूँ मैं, फेयर वाली निकालो। फेयर वाली, और मुझे इंग्लिश ग्रामर की बुक दे दो अपनी, मैं खाली जगह पढ़िया काम दे दूंगी इसमें, निकालो इंग्लिश ग्रामर की बुक दे दो मुझे, लाओ। लाओ दिखाओ काम में, एक बार देख लू, लाओ तो कभी गलती है, मैं तब भी बोल रही हूँ ऐसे लिख रहे हो, अरे इसका लिखा फिर इसका लिखो फिर इसका फिर इसका, देखो पहले सबसे पहले क्या ये लिखा तुमने, ओएन ऐसे लिखा, उल्टा लिखते हो कहीं से भी चलो यहाँ से स्टार्ट हो। एल एम क्या है, एल एम एन ओ, ऐसी तो पढ़ते हो एबीसीडी में, तो पहले यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था हमें, पहले फिर ये एल एम, तुमने लिख दिया ओ एन, ठीक है ओ एन लिखा, फिर उसके बाद एल एम लिख दिया, इसके सामने वाला लिख दिया, अब फिर क्या लिखा तुमने ओ एन, फिर से यही लिख दिया, फिर यही लिख दिया है, बार बार तुमने देखो ओ एन ये वाला लिखा, फिर लिखा एल एम, ये लिख दिया, ये दो लिख दिए ना, अब ये दो लिखने थे, इसका नाम क्या है ओ एल, इसको एन को मिटा के एल लिख दो, ठीक है, और इसका नाम क्या है एन एन या एम एन भी लिख सकते हैं, ठीक है ओके, एन को मिटा के एल लिख दो, इसको मिटा लो ओ एल ऐसे देख लो ना, मुझे मैं भी तो समझ के करूँ ना, ऐसे ओ एन है और एक क्या थी एल एम, ये लिख लिए, एक ये लिख रहे हो तुम ओ एल लिख दो, एल एन एस ओ एल ये वाली हो गई, और एक इसके सामने क्या एम एन, एम एन लिख दो, बस हो गया। ऐसे ध्यान दे लो कितनी साइड है, उन सबके नाम लिखना है। डेट डालो आज की एक्सरसाइज लिखो, फर्स्ट वाला सम करो फटाफट, क्वेश्चन नहीं उतारना है। तनिष क्या हुआ, कुछ याद? कोई नहीं पा रहा ये। कौन सा नहीं हो रहा, थोड़ा थोड़ा याद करके सुना दो ना, आधा आधा हिंदी की निकाल निकाल के याद करते, रटने की जरूरत नहीं होती है, जब करोगी जब तो आएगा, हिंदी निकाल निकाल के याद करो। हो गया तुम्हारा, आगे बताया मौसी जी, एक काम करती हूँ, एम एल नहीं बाबू, इधर देखो, इधर देखो, तुम समझते ही नहीं हो बात को,
ये वाली और ये आपने सामने की लाइनों के नाम लिखे, अभी तुमने लिखा ये और ये लिखना है ना, एम एन एन लिखो, एल को मिटा के एन कर दो यहाँ, बस फिर ठीक है तुम्हारा। हाँ बोलो, तुम क्या बोल रही हो तनिष्का? मैं बोल रही हूँ पहले मैं फिफ्थ और सेवंथ सुना देती हूँ, छोटे छोटे हैं। ठीक है ठीक है, उसके बाद में सुना दूंगी। ठीक है मोदी, लास्ट में आएगा वाई एंड के, वाई एंड के, वाई के, वाई एंड के, एन एंड पहले आएगा, एंड वाई के लो, एंड लिखो पहले, कॉमा नहीं लगेगा लास्ट से, पहले कॉमा नहीं लगाने की जरूरत हमें, सही है डुकू, डुकू, एंड से पहले बाबू यहाँ कॉमे की जरूरत नहीं होती है, ऐसे इसके नाम लिख दो, लाइन वाइज चला करो इसमें। मुझे तीन क्या कर दो, आ रहे कुछ समझ में? सी कैपिटल ही बनाए, छोटा नहीं, बड़ा है तो बड़ा ही बनेगा, ऐसे छोटे छोटे लिखोगे फायदा क्या? ठीक है तुम्हारा, ये नक्श लाइन वाइज लिखता है, तुम लाइन वाइज नहीं लिखते हो इसलिए तुम्हारी गलती होती है डुगू, लाइन वाइज लिखना है, वाई ना छोटा नहीं बनाना, छोटा बनाएंगे तो गलत हो जाएगा, वाई ऊपर ही बनाओ, बड़ा ऊपर बनता है ना, नीचे नहीं बनाना है, जब बड़ा है तो बड़ा ही बनेगा, गुड सही लिख रहे हो तुम, सही है। अब एक चीज देख लो कैसे लिखना है, इधर आओ, ओएल सही रहेगा, हाँ ओएल लिख दो पहले, वेरी गुड, बोलो नेम का रे, रे ये है ओ आर, बोलो रे ओ आर, रे ओ क्यू, ओ पी, ओ यू, और O T O S, O से शुरू कर दो कहीं से भी, और फिर यहाँ से शुरू कर लो, लाइन वाइज शुरू कर लो, ऐसे लिखेंगे बता दे रही हूँ मैं, रे है ना, रे मतलब सूरज की किरण, ऐसे ऐसे रे होती है, रे ऐसे एक तरफ बिंदी, ऐसे लिखना है, ओ आर ओ क्यू, ऐसे लाइन वाइज लिखते चले जाओ, जब यहाँ तक यहाँ तक पहुँच जाना, यहाँ से शुरू किया ना, यहाँ से तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक एंड लिख देना, उससे देखो ऐसे करो बाबू, ऐसे लिखा तुमने, कहा एल पे खत्म हुआ ना, एल से चालू करो, एल से क्या आएगा, एल डी कॉमा लगा के एल डी लिख दो, ये लाइन सही की जो, लाइन कितनी गंदी, आराम से नहीं की सकते, छोटी सी लाइन ऐसे, मेरी राइटिंग सही मोती जी, हाँ ठीक लिखा था, मोटा मोटा लिखो थोड़ा बड़ा बता दो, क्वेश्चन पढ़ो, रन बॉट कैंडी फॉर रुपीज स्टैंड 1/2, यानी 10.5 रुपए की उसने कैंडी खरीदी, रेन ने आगे बढ़ो, एंड चॉकलेट फॉर चॉकलेट रुपीज 15 1/4 की खरीदी, आगे हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड, हाउ मच मनी, कितने पैसे उसने खर्च किए, कैंडी खरीदी है चॉकलेट, तो क्या करेंगे दोनों को, प्लस करना है, पहले क्या क्वेश्चन में से लिखना है, रेयान बॉट कैंडी फॉर रुपीज इतना लिख दो, फिर नीचे लिखना रेयान बॉट चॉकलेट फॉर रुपीज इतना, ठीक है, इक्वल की जो होती है 4 रुपीज, ऐसे लिख दो, हेलो हेलो, 12 भी हो गया, फिर आएगा हेलो, बिकॉज सेल्स ऑफ आवर बॉडी रिक्वायर रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू रिक्वायर, हेलो टेरस, बिकॉज सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हेलो एंड लिख दो, कॉमा नहीं लगा रहा हूँ, बीच में कॉमा लगाओ पहले, यहाँ मेरी तरफ बीच में पहले, बिकॉज़ एंड लिखो, अब एंड पावर बॉडी दूर थोड़ा है तो जगह थोड़ा सा दूर, इतना भी दूर नहीं थोड़ा, हाँ यहाँ लिखो, यहाँ बस सही है, ए एंड डी जल्दी लिखो साफ साफ, गुड, डी ऊंचा बनाओ एकदम, डी का डंडा ऊंचा करो, हाँ और बताओ कौन सा है और नाम बताओ, मैंने बताया ना ऐसे नहीं है, ओ एल एल से शुरू किया, एल डी कहाँ खत्म है, डी पे खत्म है ना, तो डी से शुरू करो, क्या पढ़ेंगे, डी ओ लिखो, लाइन सेगमेंट डी ओ बोलो, हाँ लिखो, हाँ डी और ओ दोनों ही सेम है तुम्हारे, तो डी नहीं बनाना आता, डी सही बनाओ, दोनों ओ लग रहे हैं मुझे तो, मुझे इसमें नाम गलत, आपने नाम कोई और से दिया क्या, हाँ सबके अलग अलग अपने हिसाब से नाम दिए, बुक के हिसाब से नहीं देना है, क्योंकि तुम्हें समझ आना चाहिए, कुछ भी मैडम देगी तो तुम्हें आना चाहिए करना, बुक के हिसाब से कोई याद कर लिया, ये बिल्ली तुम अलग से लगाते हो, अरे भैया ये लाइन है ना, उसके जहाँ खत्म हो रही है वहाँ और पहले, बस ऐसे तुम अलग से डॉट रख के देखो, दूर लगा रहे हो गलत हो जाएगा तुम्हारा, तो भी उसके ऊपर ही बिंदी लगेगी, उससे टच करके वहीं पे लास्ट में, बस क्या लिखे तुमने, लाइन सेगमेंट, ठीक है अब ये
बोलो नेम द रेज। रे ये है, यहाँ से यहाँ तक एरो लग रहा है ना, ये रे है। इसका नाम जैसे यहाँ से शुरू कर रही हूँ मैं, यहाँ से शुरू करो ओ जेड, फिर बोलो ये ओ एस, ऐसे लाइन बाई यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से देखते जाना है। तो रे का साइन क्या है वो मैं बता दे रही हूँ। हाँ, और लाइन वाइज करो स्टार्टिंग से, ओ जेड लिख के ऐसे लगा के एरो लगेगा, और यहाँ पे हल्की सी उसी पे बिंदी आएगी ऐसे। क्या बोलोगे इसे? रे ओ जेड। अब ये इसके ये हो गया, जेड के बाद क्या लिखा है नीचे? एस। रे ओ एस, फिर इसके नीचे क्या? ऐसे। आ गया समझ में? लिखो रे ओ एस, ओ एस लिखो, जेड के नीचे एस है, फिर टी है, तो फिर ओ टी, फिर ओ यू, फिर ओ वी, फिर ओ डब्ल्यू, ओ एक्स, ओ वाई, ऐसे फिर ओ एस आएगा। अब ओ एस लिखो यहाँ पे, रे ओ एस लिखो और लाइन ऊपर साइन ओ जे नहीं ओ टी। हाँ मैं बताऊंगी दोनों को प्लस कैसे करना। नीचे लिखो ऐसे ही, इनको पहले वहीं पे ना इक्वल का साइन लगा लो ऊपर, पहले वहाँ वहाँ ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ नहीं, वन बाय टू के सामने बिल्कुल बीचों बीच इक्वल का साइन लगा। रुपीज लिखो, इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन बना दो यहीं पे, ठीक है? प्रॉपर हाँ, तुम्हें आता है ना बनाना? हाँ ठीक है, अब नीचे वाले को भी प्रॉपर बना दो वहीं पे इक्वल लिख के। हाँ ये ध्यान रखो, ऊपर का जोड़ना है। अब नीचे लिख दो सीधे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं हम पहले कोने में। हाँ एक लाइन ऊपर लिखो, देखो ए बड़ा बनाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के हिसाब से ए डबल सी ओ आर डी आई एन जी टू क्वेश्चन क्यू यू ई एस टी आई ओ एन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से कॉमा लगा दो फिर क्वेश्चन के बाद, ठीक है? क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है इनको? अब नीचे लिख, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, क्वेश्चन लिख के, क्वेश्चन लिख दिया ना स्पेलिंग, अब कॉमा लगा दो, ये बोल रही हूँ मैं। पॉइंट दे रखे ना पहले, लाइन सीधी खींच लो, लो इसके ऐसे इन्हें मिला लो, लो इतने बना लो, अभी मैं इसको करा रही हूँ। हाँ भाई नीचे लिखो, अभी रुको यहाँ। हाँ इनके क्या करने पड़ेंगे पहले हमें, यहाँ पे पहले रुपीज लिखो नीचे, थोड़ा और इधर को आगे और आगे रुपीज लिखो, रुक जाओ एक मिनट। अब ब्रैकेट के अंदर लिखो 21/2 + 2 + 61/4, यानी इन दोनों को प्लस ही तो करना है ना। ब्रैकेट बंद कर दो, ब्रैकेट बड़ा बनाओ, टू तक जाएगा ब्रैकेट। क्या बना रहे हो ब्रैकेट? आधे आधे टू तक जाएगा ना। आओ तुमने ये लगाए, मैंने बोला एरो लगाओ, ये रे लिख लेना ऐसे एरो लगेगा, अरे ये लगाना है सब में और एक तरफ बिंदी। चलो लगाओ फटाफट। हां अब क्या करेंगे इनका? फर्स्ट क्या करेंगे हम इनको? प्लस। प्लस कैसे होगा? नीचे का नंबर क्या करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा, तो नीचे लिखो 21/2 इक्वल, कोने से लिखो। हाँ लिखो 21/2 इक्वल, अब नीचे लाइन में लिखो 61/4 इक्वल, वो आता ही है तुम्हें करना ना। अच्छा पहले एलसीएम लिख लेना चाहिए था एक लाइन यहाँ, चलो लिख देना भैया एलसीएम ऑफ 2 and 4 इस, ठीक है? यहाँ पे निकाल लो एलसीएम, एलसीएम निकाल लो तुम। ओनी 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 एक रह गई ओ वाई, छोड़ दी, यहाँ से शुरू किया ना जेड से, जेड के पहले क्या था? वाई 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 एंड लिख दो, और ऊपर इस उससे चिपका के थोड़ा नीचे लगा लो, कोई नहीं आगे से मैं लाइन छोड़ दूंगी ज्यादा। एलसीएम कितना आ गया उधर साइड में? एलसीएम सही होना चाहिए, गलत होते ही पिटाई लगेगी, एलसीएम एकदम सही होना चाहिए तुम्हारा। इसके ऊपर एरो नहीं लगाओगे क्या? रे
नक्श आ रहा है बाबू तुम्हें बनाना? हाँ बिल्कुल अच्छे से आ गया है रे बाबा, अच्छे से आ गया है। क्या कौन सा बना रहा है? बचपन का गाना गा रहा है के पागल लड़के लड़के पागल लड़के लाओ पागल लड़के। चुप बैठो अपना काम करो। गुड, ऐसे इसके लिखो बाबू, एक एक लाइन छोड़ के लिख देना है तो स्पेस है ना साफ साफ। रे यहाँ से ऐसे अभी लिखे रे ओ जेड, इसमें क्या रे ओ एच कोमा रे ओ ए कोमा ओ बी कोमा रे ओ सी, ऐसे लिखते जाओ। ऊपर ना एरो भी लगेगा सब में, ये ध्यान देना है। ओ एच ओ एच फिर ओ एच ओ ए ओ ए O B O B O B O B मैंने लिख दिए इधर O C 22 और 84 O D एलसीएम गलत निकाल दिया तुम्हारे। ये फोर कैसे आ गया तुम्हारा? फोर से करेंगे? फोर क्या प्राइम नंबर है? क्या बताया था प्राइम नंबर से एलसीएम निकालते हैं? टू से नहीं है तो फिर थ्री से। टू के टू बन जाए, टू का टेबल फोर कितनी बार में आएगा? टू के टेबल ये तो किया ही नहीं इधर वाला, टू से दोनों जा रहे हैं ना, तो तुम एक को करते हो दूसरे को छोड़ देते हो। अगर जितने अगर तीन नंबर भी होते तीनों जा रहे हैं तो सबको टू से उससे करना होता है। यार टू टू जा होना था ना, गलत कर दिया एलसीएम। हाँ बेटा उसको फोर को और इधर वाले फोर को, मैं फोर से तो करना ही नहीं है वैसे भी, कुछ भी कर देते हो। मोदी जी टी वाले में आपने उल्टे सीधे दे रखे हैं ना मुझे? क्या ये मैंने फोर है? हाँ यहाँ सर्कल बनेगा, गोला बना दो यहाँ। हाँ इसलिए मैंने इसके हाँ फोर। हाँ अब सही आया फोर, ये ध्यान दो ना, अगर एलसीएम ही गलत तो तुम कितनी भी मेहनत करो ये एक में करता है दूसरे में छोड़ देते हो। ये बी का ऊपर आसमान में तोड़ेगा और सी देखो कितना छोटा, जितना बड़ा ओ है उतना ही बड़ा सी बनाना है, कैपिटल में लिया ना फॉर्म में लगा है। ये सी बड़ा करो, बी को नीचे उतारो, आसमान में उड़ जाएगा। अरे यार लिखो सही करो, सर्कल सही है। हाँ ठीक है आज से बनाना। इनके बाबू इनके अंदर सबके ना स्पेलिंग लिख दो, नाम लिख दो इनके। ये सर्कल है, इनके सामने नाम लिख दो इनका स्पेलिंग। पहला लेटर बड़ा लिखना, सुंदर सुंदर लिखना एकदम, नीचे टच करते हुए लाइन को। इसमें ऊपर का भी गलत है जो अभी कर रहे हो, ऊपर का भी मिटा देना है। अंदर लिख दो इसका नाम, टी बड़ा बनाओ और इसके अंदर स्पेस है। काजू कतली बनी हुई है। पी ए आर ए पैरेललोग्राम, पी ए आर ए पहले पता नहीं क्या पढ़ती थी, पैरेललोग्राम ओ एच ओ ए, पहली बार में सबको दिक्कत होती है बोलने में, ओ बी ओ सी ओ डी ओ ई, फिर धीरे धीरे रोज आने लगता है, हम रोज रोज बोलते हैं तो O F गुड आ गया ना समझ में? ऐसे लाइनें आगे से मैं छोड़ दूंगी, ऐसे लिख देना है। गुड अब ये फिगर बना लो स्केल से, दे दो भाई नेक्स्ट, इसको स्केल दे दो। तुमने बना लिया, ले लो स्केल। हां अब इन दोनों को ऐड कर लो नीचे लिख के, लाओ दिखाओ एक बार देख लूं सही है गलत है, पहले मैं देख लूं। पकड़ ले तू ऊपर ही गलत कर देते हो मेरी मर्जी। सही है भाई तन्मय, अब इन दोनों को प्लस कर दो यहाँ पे। हाँ। ये दोनों है ना, इनको प्लस करके आंसर ले आओ, फिर लिखवा दूंगी नीचे लाइन क्या लिखी। मोदी जी ये ट्रायंगल ये और ये क्या? 42/4 + 60 बन करो नीचे। और ये क्या? स्क्वायर
स्क्वायर तो नीचे सी वाला है। क्या कहते हैं इसको, अपोजिट साइड आमने सामने की बराबर है, तो क्या कहते हैं इसका नाम क्या है? क्या उल्टा हो गया मुझे? टी एन जी एल होगा ना? क्या उल्टा हो गया ये? इसमें कोई ना यहाँ है ना नेम, तभी यहाँ बनाओ, ये बिंदी रही वो नहीं बनाना, यहाँ बनाना, वो तो आंसर लिखना है, ये जोड़ लिए बिंदिया जो दे रखी है। सही बता रहे हो, सही है, गुड। और बताओ टी ए टी ई लिख दिया मैंने, टी ए सही बता रहे हो। हाँ सही है, प्लस करके लिख दो ना, पीछे करे तो थे इतने सारे सम, सब तुम लिख रहे हो, सही लिख रहे हो, इन्हें प्लस करने और क्या लिखो, 42 प्लस 61 अपॉन 4, देखो ऊपर का ऐसे उतार देते हैं ना, प्लस 61 पूरे के नीचे अपॉन करो और 4 एक ही बार आएगा बीच में नीचे, बस ऐड करके लिख दो कितना आ गया, मिक्स में लिख देना, मिक्स में आएगा तो ऊपर का बड़ा आएगा तो मिक्स में आप लिख सकते हो। मुझे ये वैसे ही जहाँ आपने बिंदु लगा रखी है ये फिर वो वही करने हैं, यहाँ पर आपने बिंदु लगा रखी है ये भी वैसे ही करने हैं क्या? क्या करना है इसमें? नहीं क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, अलग क्वेश्चन पढ़ो ना इसका, ये वो वाला है ऐसा लाइन खींचे फिर नीचे लाना, ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन पढ़ो ना इसका क्या है उससे पता चलेगा क्या करना है इसमें, क्या वर्टिकल वर्टेक्स माने कोनों के नाम लिखना है इसमें, कोने कौन कौन से, ए कॉमा बी एंड सी, ए कॉमा बी एंड सी, हाँ वर्टेक्स है, वर्टेक्स माने कोने, अरे लाइन नहीं खींचनी, खाली ए लिख के कोमा लगा दो नीचे, ए लिखो कोमा लगा दो, ए कोमा बी एंड सी, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स माने कोने, कोनों के नाम लिखने थे, तीन कोने हैं इसमें क्योंकि ये ट्रायंगल है, अभी देख रही हूँ, सही आ रहा है, लिख दो 103 अपॉन 4 लिखो, सही कर रहा हूँ, स्टार्ट एन एन से होगा ना, स्टार्ट एन से, क्या है वो पूरी स्पेलिंग किसकी बन रही है पढ़ के देख लो, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं पर पढ़ के देख लो ना क्या स्पेलिंग, एन ए पी एल, पी एल ए एन बन रहा है, प्लांट पी एल से शुरू कर लो नीचे से, वैसे शुरू कहीं से, ठीक है इसको मिक्स में लिख दो, डिवाइड कर लो साइड में, मिक्स में भी लिख दो, आसान हो गई, 5:30 हो गई, 5:30 नहीं हुआ 6:30 बज गए, 5:30 हो गए, यार जल्दी आधे घंटे, पी कोमा एल, एल कोमा ए, एल कोमा ए, A comma N, A comma N, N comma P, N comma P. Because cells are. कल तक उंगली सही हो जाएगी तुम्हारी? हाँ? हाँ? कल तक देखती हूँ. हो जाएगी. और तुम क्या करती हो वहाँ पे, क्या लेती है जाके? वो तो घर में रखा हुआ था सामान. हाँ मैंने देखा था ऐसे. यूं देख रही थी बैग कैसा लगती है वो बैग्स की पट्टी उस पर लग रही थी ना बैग्स नहीं लगाई थी तुमने नहीं वो मैंने जला के देखी तो पिघल के मेरी जीप ही पड़ गई तो तुम जलाने वलाने का काम क्यों करती हो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी तो एक्सपेरिमेंट हो गया ना ठीक है यहां प्लास्टिक की करो भाई एक्सपेरिमेंट करती है तो एक्सपेरिमेंट तुझे ही भारी पड़ जाता है करो नहीं काम मुझे एक्सपेरिमेंट खुद को ही भारी पड़ जाता है ना और क्या बिना मतलब के तो छोटे बच्चों को तो ये जलाना वलाना ये काम करने ही नहीं चाहिए तुम हाथ इस लेके हां इसका नाम लिखना है इसकी चारों साइड पर आ गए तो क्या करते हैं स्क्वायर या स्पेलिंग बड़ा है हां भाई चुप बैठो बिल्कुल सही कर रहे हो करो नंबर लिखो वहाँ कितनी बार क्या डब्ल्यू कोमा एफ डब्ल्यू कोमा एफ
कोमा भाई। बोलो बच्चों, कोमा भाई आ रहा है कुछ तुम्हें? नेक्स्ट समझ में आया? आ रहा है नाम लिखो इनके फटाफट। पानी आ पाना तो अंदर लिखो साफ साफ। एक मिनट इधर आओ। कोने कितने इसमें? एक दो तीन चार पाँच कोने कहाँ है यहाँ? एक दो तीन चार ही कोने में एक कहाँ से निकाल दिया तुमने? सेम लिख दिया। और मैंने बोला लास्ट से पहले एंड एंड लिखना है। बेटा के सही करो यहाँ एंड एंड लिखना है। ये एक ये उल्टा ही करना है। डिवाइड देखो इसकी। 4 2 8 है ना? 8 का 3 के नीचे लिखेंगे 10 के नीचे। फिर कहा 8 3 के नीचे क्यों लिख रहे हो? ध्यान नहीं देते क्या करते हो पता नहीं। क्या कहते हैं इसे? रेक्टेंगल। लिख दो इसके अंदर इसका नाम रेक्टेंगल। अंदर लिख दो इसके। है बहुत इसमें यार बड़ा बड़ा पहले लिख दो। लॉन्ग लॉन्ग गुड। इधर आओ आओ इधर। ये W लिखा X Y फिर से W लिख दिया। लाइन वाइज घूमे तुम। अबे यार मेरे दिमाग पागल चल रहा है। ध्यान से लिखो ना। मिटा के सही से लिखो। मैं तो साफ साफ इसको मिटा दो। ये पूरा ही गंदा है वाली। तो पहले सुंदर लिखा है वाला गंदा हो गया। सुंदर काम करना एकदम। अब कर रहा हूँ। पैरेललोग्राम लिख दिया। पी ए आर ए डबल एल ई एल। ई एल छोड़ दिया तुमने। पी ए आर ए डबल एल ई एल ओ जी आर एल। इसका नाम भी लिख दो। गुड। ऐसे ही लिखना है सुंदर। आती है सुंदर राइटिंग पर लिखते नहीं हो तो कैसे लिख दे तुम? तुक्का लग जाता है कभी कभार। देखो अब ये वाला और कर लो। ये वाला नहीं आता। ये मैं समझा रही हूँ ना फिर आ जाएगा तुम। ये हो गया गुड। अबे मार क्यों रहा है? बोलो नेम द हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल माने लेटी हुई कौन लाइन है? देखो ये लेटी हुई है और एक ये लेटी है। क्या नाम है इसका लाइन का? यहाँ से देखो ये लिखा है एच और ये क्या है सी। एच सी और इसका नाम है जी डी। तो आप लिखो एच सी एंड जी डी। जी डी दे एक मिनट। हाँ एच सी एंड जी डी लो। ठीक है ये स्पेलिंग याद कर लेना। पैरेललोग्राम जो भी है गलत कर दी तो स्क्वायर की फिगर हमारी। पी ए आर ए एल ओ एल ई एल ओ। क्यों बजा रही हो? इनका दिल गार्डन हो रहा है तो बजा रही है। दिग्गु बता जब मैं टॉयलेट से निकलती नहीं हूँ तो माथे के दिल्ली पैक देता है ना। क्या है जो प्रॉब्लम काम है? चुप बैठो बिल्कुल। लेयर्ड वर्टिसेस मतलब बड़ी लाइन होती है ना। हाँ सीधे वर्टिसेस माने कोना। कोने कितने? एक दो तीन। इनका नाम लिखना है तो आप लिखो ए कोमा बी एंड सी। इसमें तीन कोने हैं इसमें चार कोने हैं। कोनों का नाम लिखना है। समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई अब क्या लिखना नीचे? क्वेश्चन पढ़ो। फुल स्टॉप के बाद से पढ़ना तब में। हाउ से पढ़ो। लिख लिया। हाउ मच मैंने डीडी स्पेंट। उसने कितना पैसा खर्चा किया तो हम लिखेंगे उसका। उसने यानी कौन था? रयान। तो लिख देंगे देयर फॉर रयान। और डिड हटेगा तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। स्पेंट का क्या बन जाएगा? स्पेंट। डी के लिए क्या लगा लोगे? टी। यहाँ पे लिखो देयर फॉर रयान स्पेंट रुपीज इतना। इसका ऊपर भी कुछ लिखना है? नहीं बाबू इसके ऊपर नहीं लिखना। यहाँ पे एंड लगा देना है। ये वर्टिसेस है। क्या है वर्टिसेस? माने कोने। कोने के नाम लिखने हैं आपको। चलो इसके भी लिख दो। देखो देयर फॉर रयान स्पेंट डी की जगह टी कर दो। डी हटा दो। सेकंड फॉर्म रयान स्पेंट रुपीज ये लिख दो जो आंसर आया है।
मतलब करियो उसके छोटे के ऐसी होता है कितनी बुरी तरह रो रही कल वो बड़े वाले ने छोटे वाले को गिरा दिया उसका सर फोड़ दिया इनके लगती रहती है आज नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अमित ने क्या है चॉकलेट का 1/10 पार्ट दिया टू ईच ऑफ हिज 5 फ्रेंडों में बांटा 1/10 आगे ड्यूरिंग द स्कूल व्हाट पोर्शंस ऑफ चॉकलेट आगे इज लेफ्ट विद हिम उसके पास कितना चॉकलेट बचा है ना लिखो अमित ऐड चॉकलेट इक्वल अमित के पास कितनी चॉकलेट रही होगी 1 रही होगी टोटल लिखो अमित ऐड चॉकलेट इक्वल क्या बोल रहे हो डी कॉमा वैसे लिखो वैसे मैंने देखो जी ओ एल डी दिया जी से शुरू कर सकते थे जी को मैं कोई कैसे भी लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेटी हुई लाइन कौन सी तो एच सी एंड जी डी वेरी गुड वर्टिकल खड़ी हुई कौन सी है जेके तो ये जेके लाइन नहीं है बीच में तो गैप है ये लाइन है पूरी खड़ी हुई है ए जे या जे ए और के बी डी एल ये मिटाओ गलत कर रखा है यहाँ पर डी एल आया ना हाँ हाँ एल लिखो वेरी गुड लिखो सही बता रहे हो तुम कॉमा जी ओ जी एंड ओ ऐसे लिखो और लाइन वाइज लिखा करो ना तुम डी एल फिर यहाँ पहुंच जाए लाइन वाइज ऐसे चलो ना ओ लिखो आप ऐसे लाइन ये लिखा फिर ये ऐसे लाइन वाइज चला करो जहां से भी चलते हो एंड जी फिर गलती नहीं होती है चॉकलेट कितनी थी अमित के पास 1 चॉकलेट थी अब नीचे लिखना इरेजर लेना भाई He gave chocolate. My razor. He gave chocolate to each of his 5 friends equal. देखो यहाँ से लिखना है. He अमित की जगह he लिख दिया चाहे अमित बिलो अमित gave chocolate. He लिख दिया तो भी चलेगा ठीक है. He gave chocolate से लेके यहाँ तक उतार दो. To each of his 5 friends equal. He gave chocolate to each of his 5 friends. Of his 5 friends equal अब आए ठीक लिखा है तुमने पेंथर ये ठीक है गुड ओह यस हो गया सर आगे समझ में तुम्हें काम मत देना काम तो मिलेगा छुट्टी है करो है चांटा दूंगी ज्यादा बोले मुझसे फालतू काम बहुत है मैथ्स में कुछ नहीं आता अभी अब लिखो वहां यहाँ पे लिखेंगे टोटल 1 थी ना उसकी चॉकलेट टेबल दे दो वन टेंथ चॉकलेट 1/10 ऑफ चॉकलेट टू ईच ऑफ हिज 5 फ्रेंड्स होगा अरे चुप रहो थोड़ी देर वाइल्ड एनिमल यहाँ लिखो 5 मल्टीप्लाई अब लिखो 1/10 ऑफ 1 लिख दो इसे ब्रैकेट में कर दो यहाँ मल्टीप्लाई के बाद वाला मल्टीप्लाई नहीं मुझे जी हो गया अभी देख रहे हैं यार पढ़ाई करने में मजा आ रहा है आज अभी वाले सम करने हैं तुम्हें कौन से ये क्वेश्चन उतार के रखो पहले राइट द मनी इन वर्ड्स में लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 और 3 करना है पहले सिर्फ क्वेश्चन उतार के मुझे दिखाओ साफ साफ एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के सारे सम उतार लो फटाफट अब यहाँ लिखो 5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखो 1/10 ऑफ की जगह लिखो मल्टीप्लाई 1 लिख दो
ब्रैकेट बंद। अब नीचे लिखो इक्वल 5 मल्टीप्लाई 1 बन जा 1, लिखो 1 अपॉन 10, ऊपर को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। अब 5 बन जा, नीचे लिखो इक्वल 5 अपॉन 10। अब 5 से 5 बन जा, 5 को काट के 1 लिख दो ऊपर इसके, 1 ऊपर 5 बन जा, 10 को काटो 5 2 जा 2 लिख दो नीचे। अब नीचे लिखो इक्वल 1/2। He gave, एक मिनट क्या था, he gave to each of his 5 and 2 liters of what portion of chocolate? कितना पोर्शन बचा? तो यहाँ से लिखेंगे अब, therefore left portion of chocolate equal 1/2, left portion of chocolate, chocolate का हिस्सा। कनिष्का पिटेगी क्या? पिटना है? सुनाए तो नहीं है, कितनी देर हो गई है? मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन उतारने हैं। क्वेश्चन उतारो 1 और 3 का। पहले क्वेश्चन लिखो, राइट इन वर्ड्स। पहले 1 वाले उतारूंगा। 1 वाले सारे उतारने हैं और 2 के भी सारे उतार के रखो, एक ही साथ उतारने हैं, अलग अलग नहीं। उतारो फटाफट, इतना टाइम नहीं है, जल्दी करते जाओ फटाफट काम लाओ। ये तो रखी बाबू, तुम्हारे पैर के पास रखी है। हो गया स्केल का? नहीं अभी, ये कर रहा है उसका, तो हो गया भाई टुकू। हाँ तनिष्क का ले लो अपना स्केल। जी भाई। हाँ भाई, 1 और 3 लेफ्ट चॉक पोर्शन ऑफ चॉकलेट इक्वल 1/2, बस हो गया। क्या किया आपने देखो, उसने बोला था, उसने अपने 5 दोस्तों को 1/10 दे दिया, किसका? टोटल का। टोटल कितनी थी? 1 चॉकलेट। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई है, 1 बन जा 1, 1/10 लिखा, फिर 5 बन जा 5 है 5, ये इसका मतलब ये हुआ ऐसे है, अपॉन है ना ये, इसका मतलब होता है डिवाइड, अरे ऐसे, तो 5 से अगर 5 बन जा 5 2 जा, तो 1/2 आ गया है, ठीक है, काट के, तो आधी चॉकलेट दे दी उसने, बस इतना बहुत है, मेंस कल करेंगे, ठीक है, आए कुछ समझ में तुम्हें, मैथ्स की बुक दे दो, मैं होमवर्क देती हूँ, देना। क्या लिखे बाबू ये? वर्टिसेस। वर्टिस में कोने हैं। रजिस्टर मेरे पास है तुम्हारा। शेर को बैग में रखना। शेर को। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 के सारे सम उतारने हैं। इसको राइट इन वर्ड्स। वर्ड्स सिर्फ क्वेश्चन उतारना है और दो दो लाइनें आंसर के लिए लाइनें छोड़ते जाना है। फिर 3 का उतारना है पूरा, उसके बाद करना है, बुक बंद कर देनी है, फिर चुप बैठो बिल्कुल, क्या पागल पागल लगा रखी है? इस फिगर में साइड्स के नाम बताओ, तब मैं साइड कौन कौन सी होती है, कोने को साइड कहते हैं, साइड माने डंडे, कौन कौन साइड है, एक्स वाई कॉमा कॉमा वाई जेड एंड जेड एक्स, इसमें साइड बताओ इस ट्रायंगल में, पी आर कॉमा आर क्यू कॉमा पी एंड एंड क्यू पी, ठीक है, और बताओ इसमें बताओ साइडों के नाम, जल्दी काम करो, इतना देर साफ साफ होना चाहिए बिल्कुल, क्या बता रही तुमने साइड, अब वर्टिसेस माने कोनों के नाम बताओ, एक्स फिर कॉमा कॉमा वाई कॉमा जेड एंड लगाना है, और इसमें बताओ पी कॉमा आर एंड क्यू, वेरी गुड, वर्टिसेस बताओ, एस कॉमा टी एंड यू, वेरी गुड, इसमें ए कॉमा सी एंड डी, गुड, अब एंगल्स के नाम बताओ, इनके नाम बताने कोणों के, एंगल एक्स एंगल वाई एंड एंगल जेड, एंगल एक्स हाँ एंगल वाई एंड एंगल जेड एंड एंगल जेड, गुड,
एंगल क्यू, एंगल पी, एंगल आर एंड एंगल क्यू, ठीक है, एंगल एस, एंगल टी एंड एंगल यू, वेरी गुड, और बताओ, एंगल ए, कॉमा एंगल सी, गुड, एंड एंगल बी, आ गया समझ में, ये एंगल के नाम बता दिए, कल मैं इनका टेस्ट लूंगी, अभी इसलिए ऐसे समझा दे रही हूँ, इसमें स्क्वायर कौन सी साइड है, स्क्वायर कौन है, सॉरी, फिगर में कौन स्क्वायर है, इसमें ये स्क्वायर किसे कहते हैं, जिनकी सारे साइड्स वो बराबर होती हैं, हाँ, कितनी साइडें होती हैं स्क्वायर की, फोर, और चारों कैसी होती है, इक्वल, और रेक्टेंगल कौन है, रेक्टेंगल वो जिसकी सिर्फ दो साइड ही सेम होती है, बाकी साइड अलग होती है, नहीं, आमने सामने की साइड है इक्वल, आमने सामने क्या कहेंगे बोलो, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या होती है इसमें, इक्वल, कौन कौन साइड है, ये और ये इक्वल, ये और ये अपोजिट साइड, आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर, तो क्या लिख दोगे आप, रेक्टेंगल, और सीधी लाइन होनी चाहिए स्ट्रेट, ये ध्यान रखना है, ठीक है, 90 डिग्री ईच एंगल है स्क्वायर में भी और इसमें भी, चार साइड वाली फिगर को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, तुमसे बोलेंगे दो क्वाड्रिलेटरल के एग्जांपल बता, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार साइड वाली फिगर का नाम बताओ, तो रेक्टेंगल लिख दो, स्क्वायर लिख दो, ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रिलेटरल, चार साइड वाली फिगर का नाम ही क्वाड्रिलेटरल होता है, गोले को क्या कहते हैं मैथ्स में, गोले को सर्कल, सर्कल में बीचों बीच क्या होता है, जहाँ से आप टिप रखते हो राउंडर की, कंपास के अपने सेंटर, और सेंटर से लेके आधी जो लाइन होती है सर्कल तक, इसको क्या कहते हो आप, रेडियस, रेडियस, और पूरी लाइन को क्या कहते हैं, सेंटर से होके पूरी लाइन जाती है सीधी, तो डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, और रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी, हाफ होती है, और जो लाइन बिना सेंटर के सर्कल को दो जगह टच करती है उसको कहते हैं कॉर्ड, सी एच ओ आर डी, कॉर्ड, और जो डायमीटर से होके गुजरती है उसे क्या कहते हैं, लेकिन डायमीटर भी कॉर्ड कह सकते हैं, डायमीटर को भी, ठीक है, लेकिन डायमीटर की खासियत है सेंटर से होके जरूर गुजरेगा, लेकिन कॉर्ड गुजर भी सकता है और नहीं भी, ठीक है, इसलिए इसको भी कॉर्ड कहते हैं, ये भी कॉर्ड है, हाँ वो तो कैसी भी होते, लेकिन ना हम, लेकिन एक सर्कल में बोलेंगे सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 into रेडियस, रेडियस का डबल, ये याद होना चाहिए, लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या है सर्कल का, सबसे बड़ा कॉर्ड, सबसे बड़ा कॉर्ड डायमीटर, डायमीटर को सबसे बड़ा कॉर्ड कहते हैं, और ये सर्कल का जो पार्ट है ऐसे बनाते हो ना आप सर्कल, तो इसको क्या कहते हैं, आर्क, ARC, आर्क, डायमीटर जो है ये, डायमीटर को इधर जो सेंटर से होकर डायमीटर है, डायमीटर सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, टू, कैसे पार्टों में, इक्वल, और ये जो आधे आधे गोलों को क्या कहते हैं, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल भी क्या है, एक आर्क है, क्या ये, ARC आर्क, ईवीएस की नोटबुक निकालो जरा, वो पुरानी वाली है अभी की, पुरानी नहीं, दोनों निकालो, उसमें आ रहा है लेसन 5 और 6 आ रहा है तुम्हारा, नहीं, अरे तुम्हारा आ रहा है वो मैथ 15 और 16, तुम्हारा मैपिंग वाला उसके पहले वाला लेसन आ रहा है, निकालो, मैंने देख लिया था, लास्ट वाली पे निकालो, एक बार जल्दी उतारो फटाफट, इधर को बैठो, उधर कोई, मैं उतार के नहीं दिया, किसका, मेरा, वो तो सिर्फ वो एक ही मैंने वो लिख के दिया कि राइट इन वर्ड्स, अगला वाला क्वेश्चन नहीं उतारना, यही क्वेश्चन है उसका 3 का भी, बस ABC करके लिख देना, वो क्वेश्चन नहीं उतारने, क्वेश्चन वाला है सेम, यही चलेगा बस, क्योंकि वर्ड्स में ही लिख रहे हैं, क्वेश्चन को तो बड़ा उतार दिया, मैंने उतार दिया, देखो 3 वाला नहीं उतारना, ये बोल रही हूँ बस ABC, क्योंकि यही क्वेश्चन है, 3 का भी वर्ड्स में लिखना है, क्वेश्चन 2 मैंने क्वेश्चन 1 का उतार लिया है, हाँ मैपिंग वाला लेसन 16, हाँ 16 और 15 आ रहा है फिर इसका, 15 16 आ रहे हैं, हाँ ये बना के दिखा देना मुझे, ठीक है, कार्नल डायरी वो भी लिख सकते हैं, हाँ अच्छे से, आधा कौन सा लिख, बुक वर्क भी, अरे पागल हूँ क्या मैं, ठीक है 16 का पढ़ लो, वो लिख सकते हैं, राइट द मनी ऑफ वर्ड्स, राइट द मनी इन वर्ड्स, इन वर्ड्स, हाँ
राइट मनी इन वर्ड्स बस इतना लिख दो। इसे मैं बैग में रख लो, मैं बस मैं टेबल दूंगी आज नहीं मेरी टेबल। हाँ टेबल लिख के लाना वैसे, ठीक है। यहाँ तो बच्चे टेबल गड़बड़ कर रखी है तुमने, तभी तुम्हारा सम गलत हुआ हो घर से जो किया था। अब कल क्लास नहीं है तुम्हारी स्कूल वर्ड घर पे है, ऑनलाइन भी बंद हो गई। ठीक है छुट्टियां तो ऐसे पहले भी थी, ऑनलाइन लैपटॉप में आती और अब पूरी बंद है। हां ऑनलाइन काम करो, अपना इतना टाइम नहीं है तुम्हारे पास बोलेगा काम करो। थ्री वाला करने का टू क्वेश्चन वन और क्वेश्चन थ्री सेम क्वेश्चन है दोनों के। तनिष्क क्या याद हो गया तुम्हें? पीछे मत बैठो ठंडा है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं सांस तेज क्यों चलती है? वहां से लेके वहां तक है, कहां से लेके कहां तक मुझे क्या पता। व्हाई डज ब्रीदिंग बिकम फास्टर व्हेन वी डू ब्रीदिंग से लेकर फिजिकल एक्सरसाइज तक। ठीक है आगे बताओ। Because cells our body cells of our body वो require rich of amount oxygen rich माने बहुत ज्यादा हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए। ये भी आपने लिया एनिमल्स रेस्पिरेशन सांस किस किस पार्ट से होता है? हाँ आगे पीछे स्प्रेड्स स्प्रेड है स्पाइरेकल्स रहा होगा मुझे लगता है बुक का है बुक ये और बताओ स्प्रेड नहीं है ये मेरे पास है बुक आपके पास है अभी देख लेते हो स्प्रेड्स स्पाइरेकल्स होगा मेरे ख्याल से वो लंग्स ठीक है और स्किन गिल्स स्किन से भी लेते हैं सांस और क्या बताया नहीं था चमड़ी से सांस लेते हो तो हम तो एक ही चीज से लेते हैं बताया ना टोड है टैडपोल ही बताया था स्किन से ठीक है चूड़ी वाले गिल्स लंग्स स्किन और एक था स्प्रेड्स स्प्रेड्स नहीं कुछ हो रहे हैं स्पाइरिकल्स हो सकते हैं पता नहीं स्पाइरिकल्स देना पड़ेगा मुझे ये क्या सही है पता नहीं इससे इंसेक्ट की सांस लेंगे। आप गूगल पर सर्च कर लेना कि स्पाइस्टिकल से जो भी आप बोल रहे हो उससे सांस लेते हैं या नहीं। बुक में होगा ना बुक में ही दिया जाता है सारी चीजें। याद कर लो जल्दी तुमने और बना के दिखा देना डायरेक्शन वाला ठीक है। तुम आगे का याद कर लो मैं ढूंढ लूंगी इसमें पकड़ो तुम अपना याद करो। अरे काम अधूरी अंधेरा हो गया बाहर। हाँ जी थोड़ा सा लास्ट वो इतना सा तो उसका लाइट चालू कर दो बाहर की इतना सही है बस स्पाइरेकल्स है एस पी आई आर ए सी एल ई एस सी और अब आगे से तो 5:30 ही हो जाया करेगा हैं। और क्या इतनी जल्दी होती है और क्या 5:30 बजे अपना काम करो पढ़ लो स्पाइरिकल से एस पी आई आर ए सी एल ई एस जल्दी याद कर लो। अरे बेटा लो इसे बैग में रखो बुक को 4:30 बजे सुंदर लिखना एकदम फिर 2:30 होगा 2:30 नहीं कहते 2:30 कहते 2:30 ये पूरा बनाओ मैंने क्या बोला नीचे तक
ये छोटा पी लिखना नहीं आता है, बीच में रास्ते में बना रहे हो उसे। तनिष का काम करो अपना, लो पी पूरा बनाओ, ये देखो ऐसे बीच में पूरा पी बनाओ, नीचे भी ऊपर भी डंडा निकलेगा उसका। देखो नशे में, बिना पिए ही नशे नहीं जा रही है। ठंडा है, अब इधर को बैठ जाओ, उधर ठंडा है। और कल से स्वेटर ले आया करो, रख के अपना स्वेटर। और क्या ठंडा मौसम हो गया, तुमने तो फुल पहने हुए हैं। देखो इसको तो बाजू में ठंड लग रही है। मोदी हाँ, कल कल हम वो लाएंगे छोटा सा कंबल। कंबल की जरूरत तो नहीं है, अपना स्वेटर वेटर पहन के आ जाओ। अभी अभी नहीं, अभी दिसंबर में लेके वो ला देते हैं। ऐसे रणुज हमारे गांव में हो रहा है। मैंने आप ये लाई थी। अरे कुछ भी लाओ तुम, बस अपना पढ़ लो, मेन पढ़ाई करो। मैं ना शॉल लेके आती थी। शॉल हाँ, शोल। अब काम करो नाक वाला। अच्छा तू तो, तू तो नाक लगाता होगा। मोशी मेरे वाला होगा। क्वेश्चन थ्री का ये उतारना है, राइट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ मनी। नहीं उतारना, वही क्वेश्चन है। एबीसी कर दू। क्वेश्चन थ्री डाल दे, पहले क्वेश्चन थ्री डाल दो, बस वही है क्योंकि क्वेश्चन हो गया मेरा। I have done. मैं तो पता ही नहीं थी रे भैया, मैं तो पता ही नहीं थी रे भैया। हां सीधे मैंने थ्री वाले उतार लिया, टू वाले उतार लिया, फोर वाले उतार लिया। साफ साफ उतारना है ना। हां लाओ दिखाओ। आज नहीं जल्दी कर दो तो मैं रखता हूं। ये तो मैं भी सोच रही हूं, मैं छोड़ तो नहीं दिया बीच में कुछ। नहीं नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। और सब डर गए, कीड़े मकोड़े से मार दिए इसने तो। हां इन और वर्ड्स को अगर लिखो ना, उसी से चिपका दिया। अरे माय गॉड, वर्ड्स में कैसे लिखनी है? फोर पैसे, स्पेलिंग लिखो इनकी, एफ ओ यू आर फोर, फिर पैसे की दो दो लाइन जोड़ देना आंसर। चलो यहाँ से वन की स्पेलिंग रुपीज की, रुपीज नहीं वन के साथ, रुपीज नहीं रुपी आता है, वन रुपी एंड वन पैसे। स्पेलिंग ये लिखो इनकी सामने फटाफट। गोट योर सीट लाओ। राइट द फोर सब डायरेक्शन। तनिष का जल्दी याद करो। फोर सब डायरेक्शन, चार हां नॉर्थ ईस्ट, हां साउथ ईस्ट, हां नॉर्थ वेस्ट, हां नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। व्हाट इज ड्राइंग टू स्केल? मेरे को लग रहा है। लो याद करो। नहीं दिख रहा क्या लग रखा है? अरे पेंसिल लग गई होगी, थोड़ी बहुत कुछ नहीं हो रहा। अरे कब पता था तुम्हारा, वो वहम होगा मेरा। तू खुद एक वहम है। अच्छा तू सच्चा देन इट रियली माय किड एग्जैक्ट शेप नहीं है। रेजर मेरे बात।